नमस्कार, न्यूज क्लिक के कार्यक्रम हफ्ते की बात में आपका फिर स्वागत है। आप अगर भूल गए हों तो आपको याद दिलाना चाहूंगा, इसी साल जुलाई महीने की घटना है। थाईलैंड की एक गुफा में वहां की एक युवा फुटबॉल टीम के सदस्य और कोच फंस गए थे। थाईलैंड सरकार ने गुफा में फंसे लोगों को निकालने का संकल्प लिया। भारत सहित दुनिया के अन्य कई देशों ने भी थाई सरकार के इस महान बचाव अभियान में सहयोग का ऑफर दिया। जब हमारे चैनल थाईलैंड से खबर दे रहे थे कि कैसे भारत की सरकार ने इस मुसीबत में थाईलैंड को तकनीकी सहयोग देने का ऑफर किया है, तो उस दिन गर्व से असंख्य भारतीयों का सीना 56 इंच का हुआ जा रहा था। हमारी सरकार की तरफ से तकनीकी सहयोग की टीम जो थी एक निजी कंपनी की, उसको थाईलैंड भी पहुंचाया गया था। बहरहाल थाईलैंड ने अपना अहम जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो प्रमुखतः ब्रिटिश तकनीकी सहयोग से पूरा किया और पूरी फुटबॉल टीम को बचा लिया गया। भारत के अनेक न्यूज चैनलों ने इस घटना को कवर करने के लिए अपने एंकर रिपोर्टर के साथ कैमरा टीमें बैंकॉक भेजी। कईयों ने इसमें अपनी टीआरपी की उछाल का जुगाड़ देखा। थाईलैंड के युवा फुटबॉलर्स और उनके कोच को बाद में टेलीविजन पर रेस्क्यू जो टीम थी उसको धन्यवाद देते हुए दिखाया गया। पर अपने देश के गरीब मजदूर इतने सौभाग्यशाली नहीं, वो कैसे सौभाग्यशाली होंगे। मेघालय की एक अनधिकृत कोयला खदान में खनन करने गए 15 मजदूर पिछले 13 दिसंबर से ही फंसे हुए हैं। यानी जब मैं आपके सामने ये बात कह रहा हूं तो 17 दिन पूरे हो रहे हैं, 18वां दिन शुरू हो रहा है। हमारे शासन और राष्ट्रीय जो मुख्य धारा का मीडिया है उसके लिए ये बड़ी त्रासदी। अभी महज दो दिनों पहले चर्चा और एक उल्लेख के विषय के लायक बनी है, वरना इसके पहले कोई चिंता ही नहीं थी किसी को। इन दिनों अपने मुल्क में दरअसल बात यह है कि बंदर, गाय, गोवंश, गोबर, ये जितनी महिमा इन चीजों की है उतनी इंसान की कहां है। और इंसान अगर गरीब हो तो बिल्कुल नहीं। और यहां तो मजदूर हैं, उन्हें कौन पूछने वाला है। मेघालय की पूर्वी जयंतिया हिल्स, जो वहां की एक बहुत मशहूर इलाका है जहां काफी खदानें हैं, वहां अवैध खदान में 13 दिसंबर को 20 खनन मजदूर सुबह के 8 बजे घुसे थे, जो खबर है अखबारों में। शिलांग टाइम्स मैंने देखा, वहां भी बहुत पुरानी खबर, सबसे पहले उन्होंने खबर दी थी। खदान 370 फीट गहरी बताई गई। इनमें 5 मजदूर तो बाहर आ गए किसी तरह, लेकिन शेष वहीं फंस गए। ये जो अखबारों की खबर है उसके हिसाब से समझा जाता है कि किसी खनन मजदूर ने गलती से खदान में किसी ऐसी परत को खोद दिया जिससे पास की जो नदी है, जो बह रही है नदी, वहां का पानी उसमें रिसने लगा। वो बहुत तेज पानी हो गया, पानी इस कदर बढ़ा कि वो खदान में 70 फीट तक भर गया। एनडीआरएफ को पहुंचने में वक्त लगा, बहरहाल टीमें पहुंच गई, लेकिन असल समस्या ये थी कि कैसे उसमें से लोगों को निकाला जाए। हमारे प्रधानमंत्री जी अभी हाल ही में 25 दिसंबर को ब्रह्मपुत्र पर नव निर्मित एक जो बड़ा ब्रिज था जिस पर नीचे सड़क होगी ऊपर ट्रेन होगी, या ट्रेन नीचे संभवतः होगी ऊपर सड़क होगी, उसका उद्घाटन करने पड़ोसी सूबे असम में गए हुए थे। मुझे याद आ रहा है जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे, 26/11 जो मुंबई का आतंकी हमला था, वहां पे सुरक्षा बलों के ऑपरेशन का लाइव मुआयना करने मुंबई पहुंच गए थे। मुंबई ताज पैलेस होटल के सामने चालू ऑपरेशन के समय ही उन्होंने प्रेस को ब्रीफ भी किया। उस वक्त की सरकार की कमजोरी पर जमकर वो बरसे। पूरी दुनिया में शायद ही कहीं और कभी किसी आतंकवादी हमले के दौरान बिल्कुल घटना स्थल पर जाकर किसी राजनीतिज्ञ ने प्रेस को ब्रीफ किया हो, और अपनी ब्रीफिंग में आतंकी हमले के लिए उस वक्त की सरकार को कसूरवार ठहराते हुए उसकी भरपूर निंदा की हो। पर हमारे मौजूदा प्रधानमंत्री
ने अदम्य साहस का प्रदर्शन किया। राजनीतिक फायदा उठाने के लिए वो न तो आतंकी हमले से डरे और न ही इस बात की चिंता की कि इसका ऑपरेशन के संचालन करने वालों पर क्या असर पड़ेगा। पर विडंबना देखिए, मेघालय में तो त्रासदी थी, कोई हमला नहीं था। यहां किसी बड़े नेता या नौकरशाह के पहुंचने का शायद उल्टा असर नहीं पड़ता, बल्कि बचाव कार्रवाई में तेजी आ जाती। पर हमारे प्रधानमंत्री वक्त नहीं निकाल पाए। मजदूरों की इतनी परवाह भला कौन करे, ये वोट बैंक तो है नहीं और ना ही समाज में वोट की राजनीति के लिए किसी तरह का उग्र ध्रुवीकरण वे करा सकते हैं। आखिर वो मंदिर मस्जिद या गाय तो नहीं है, वो साधारण इंसान है। स्पॉट पर काम कर रही रेस्क्यू टीम ने 10 दिनों पहले शासन से 10 हाई पावर पंप जो कम से कम 100 या 150 एचपी के हों मांगे थे। इनसे खदान के अंदर आ रहे पानी को निकालने की कार्रवाई तेज हो जाती, पर ये पंप जब मैं आपके सामने ये बात कह रहा हूं तब तक नहीं पहुंचे हैं। गुवाहाटी भुवनेश्वर दोनों जगह पहुंचाने की बात थी, एयरपोर्ट पहुंच गए, लेकिन एयरपोर्ट से घटना स्थल पर जहां पर यह खदान है वहां पहुंचाने में अभी भी विलंब है। 28 दिसंबर को 7 हाई पावर पंप बताया गया कि गुवाहाटी एयरपोर्ट पहुंचे इतने दिन बाद। वहां से अब उक्त खदान क्षेत्र में सड़क मार्ग है, ऊपर नीचे की सड़कें हैं, पहाड़ी क्षेत्र है, कब पहुंचेंगे कोई नहीं जानता। अब आप ही सोचिए कैसे बचेंगे मजदूर। जब रेस्क्यू टीम को खदान के अंदर से पानी निकालने वाले पंप ही नहीं मिल पाए, इस मामले में और खासकर समय से इस मामले में राज्य की एनपीपी भाजपा गठबंधन सरकार की सक्रियता के संकेत भी हाल में मिलने शुरू हुए। जब चीफ मिनिस्टर वहां के जो साहब हैं संगमा साहब, उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री से मुलाकात की। बताते हैं कि मेघालय में ऐसी रैट होल अनधिकृत कोयला खदानों से प्रतिवर्ष 6 मिलियन टन कोयला निकाला जाता है। ऐसी गैर कानूनी खदानों पर सन 2014 से ही ग्रीन ट्रिब्यूनल, जो हमारे देश की ग्रीन ट्रिब्यूनल है, उसने रोक लगा रखी है। पर सरकार की नाक के नीचे खनन जारी है। मैं स्वयं जब गया था मेघालय तो आश्चर्य कि सड़क के किनारे हमने देखा कि तमाम इस तरह की खदानें अबाध ढंग से चल रही हैं। क्यों चलती हैं भाई? क्योंकि गैर कानूनी जो खनन के कारोबार वहां पर है, वहां मेघालय के दर्जनों नेता, मंत्री, सांसद, कुछ नौकरशाह और असरदार व्यापारी सब शामिल हैं। कुछ समय पहले इसी मेघालय के सामाजिक संगठनों द्वारा तैयार एक जांच रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई थी इन्हीं खदानों के बारे में। अपने देश में चिनाकुड़ी, धोरी, चसनाला, न्यू केड़ा, तमाम इस तरह की बड़ी बड़ी खदान दुर्घटनाएं हो चुकी हैं। सवाल उठता है कि खदानों में दुर्घटना से बचाव या दुर्घटना हो जाने के बाद राहत और रेस्क्यू हेतु पुख्ता और त्वरित ऑपरेशन के लिए अन्य मुल्कों के मुकाबले हमने अब तक कितना और क्या प्रबंधन किया? क्या सिर्फ विश्व गुरु बनने के चक्कर में हम कभी थाईलैंड तो कभी नेपाल को राहत बचाव में बड़े सहयोग का आमंत्रण देते रहते हैं? कैसी विडंबना है कि सत्ताधारी दल के नेता या जो भी दल हो सरकार में, मैं किसी एक दल की बात नहीं कर रहा हूं, वो अपने उड़ने के लिए अत्याधुनिक हेलीकॉप्टर खरीदवाते हैं, विमानों का बेड़ा तैयार करवाते हैं जो आए दिन बदलता रहता है। नेता अफसर अपनी गाड़ियां, दफ्तर, रहने वाले घर, वो सब बदलते और संवारते रहते हैं। अरबों का खर्च होता है इन पर मजदूरों और आम लोगों के लिए जो उत्पादन की प्रक्रिया में जुड़े हुए हैं, उनके जीने और उनके बचाव के जरूरी तकनीकी तंत्र पर आज भी हम 19वीं सदी के हैं। मेन होल में मरते हुए सफाई कर्मी हों या खदानों में फंसकर मरते हुए खनन मजदूर हों, इनके आंकड़े भारत के बारे में उसके आधुनिक विकास की एक भयावह तस्वीर पेश करते हैं। बीते कई दशकों से हमारे देश के राजनीतिज्ञों के बड़े हिस्से का ध्यान अगर मंदिर मस्जिद के झगड़ों को बढ़ाने और उसकी आग में अपनी सियासी रोटियां पकाने पर है, तो फिर ऐसे विषयों पर शासन क्या सोचेगा? ये विषय हमारे शासन की प्राथमिकता में कहां ठहरते हैं? बंदर की बिरादरी, गाय, गोबर, गोवंश, हिंदू मुस्लिम, मंदिर मस्जिद, नमाज, ये सब चीजें चाहे वो प्रांत हो चाहे राष्ट्रीय राजनीति हो, इसके पर्यायवाची बने हुए हैं। वहां राजनेताओं और नौकरशाहों, आप बताइए कि जहां ये माहौल होगा वहां राजनेता नौकरशाहों के भ्रष्टाचार, लाल फीताशाही, खनिजों की माफिया लूट और इस भयावह किस्म के अर्थतंत्र में पिसते और मरते मजदूरों, किसानों और आम लोगों की मुश्किलों की चर्चा कहां से होगी? इस सप्ताह इतना ही। नमस्कार।